नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज लगातार सूबे में सुशासन लाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहे हैं। कभी सूबे की सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, तो कभी राज्य के अपराधियों के खिलाफ रसूखा लगाकर उन्हें जेल की काली कोठरी में भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रशासन की कार्रवाई में सभी को एक समान रखा जा रहा है और सभी को सजा दी जा रही है। अब इसमें चाहे कोई बदमाश हो या कोई सफेदपोश नेता या फिर कोई प्रशासन का अधिकारी ही क्यों ना हो, शिवराज का बुलडोजर सब पर गरज रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि हाल ही में गरीबों के राशन की कालाबाजारी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ था। प्रशासन की जांच में पता चला था कि भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद आदि यहां से राशन ले जाकर हैदराबाद में 20 गुना अधिक दामों के बेच रहे थे। हर महीने 6 से 7 बड़े सेंटर पर राशन इकट्ठा कर ट्रकों के माध्यम से जबलपुर, नागपुर होते हुए राशन हैदराबाद भेजा जा रहा था और इसमें कई हजारों टन राशन बरामद किया गया था जो कोरोना काल में आम जनता को दिया जाना था, लेकिन इन राशन चोरों ने उनके हिस्से का निवाला अपने गोडाउनों में जमा किया हुआ था। बता दें कि कोरोना काल में अप्रैल से दिसंबर के बीच इंदौर को 10 करोड़ से अधिक का अनाज मिला था, जिसकी बाजार में कुल कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान ट्रकों से अनाज की आवाजाही पर रोक नहीं थी, जबकि मांग ज्यादा थी। राशन माफिया ने इसी बात का फायदा उठाया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंदौर जिले में 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। इस बीच राशन घोटाले की रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी गई है और पूरे प्रदेश में जांच कराई जाएगी। जिन माफियाओं के इसमें नाम सामने आएंगे उनके प्रदेश में और कहां कहां दुकानें हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि राशन माफिया ने गरीबों के हक में 2 तरफा डाका डाला है। अत्योदय योजना के प्रति परिवार को 35 किलो राशन मिलना था, लेकिन ज्यादातर दुकानों से सिर्फ 10 किलो ही बांटा गया। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए जिनमें लोग दुकान से 20 किलो राशन लेकर गए, लेकिन चक्की पर जाकर वो 16 किलो निकला। उधर मऊ में मोहन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश पर फूड कंट्रोल आरसी मीणा के दिखावे की कार्रवाई की गई, जिसके बाद भरत दवे के यहां पर भी छापा मारा गया। छापे की कार्रवाई में यहां से कई ड्राम सहकारी भंडार के निकले, हालांकि जांच में ये खाली निकले। आशंका यह जताई जा रही है कि इन्हीं ड्रामों के जरिए राशन बाहर भेजा जाता था। इसके साथ ही मीना ने कुछ दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए, लेकिन बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। इसके बाद कलेक्टर ने अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर को जांच सौंपी, जिसमें मीना को दूर रखते हुए पड़ताल की गई, तो 12 दुकानों में गड़बड़ी सामने आई। हर दुकान पर 15 से 20 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें सभी जगह राशन कम देना पाया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में शिवराज सरकार इन्हें क्या दंड देती है। पुरानी कार्रवाइयों को अगर देखते हुए देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि आरोप सिद्ध होने के बाद इन सभी के खिलाफ रसूखा लगाई जाएगी और जितना भी नुकसान हुआ है वो इन राशन लुटेरों की निजी संपत्ति को नीलाम कर वसूली जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इन्हें क्या सजा देनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।